आई गॉट अ चांस टू विजिट दी प्रगति मैदान ऑटो एक्सपो एंड आज हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कौन कौन से ब्रांड आए हुए हैं, क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बिकॉज दिस इज अ बाइसाइकिल स्पेसिफिक एक्सपो. सो वी आर हियर एट द डिकैथलॉन स्टोर एंड लेट्स चेक आउट द बाइसाइकिल्स दैट वी हैव ओवर हियर. हाय गाइस, वी आर फ्रॉम डिकैथलॉन. वी आर प्रेजेंटिंग फर्स्ट टाइम हियर इन एशिया एक्सपो. लेट्स गो थ्रू द आवर स्टोर. सो दिस इज आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट व्हिच वी हैव लॉन्च, फर्स्ट ई बाइक इन इंडिया. सो द बाइक्स, आई विल शेयर यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द बाइक. सो इट विल कम्स विद 12 वॉट 380 वॉट्स का बैटरी, विच इन वन चार्ज इट विल गिव यू 110 किलोमीटर्स ऑफ कैपेसिटी. ऑल्सो इट विल कम्स विद पैडल असिस्ट. इन अ वे यू कैन से इट इज द ट्रू एमटीबी बाइक वेयर यू कैन एक्सप्लोर. इट इज नॉट काइंड ऑफ बाइक वेयर यू नीड टू गिव थ्रोटल. यू फील द पावर व्हेन यू पैडल. इसमें टॉर्क सेंसर आते हैं, रेगुलर पैडल असिस्ट आता है, रेगुलर पैडल असिस्ट. और ये क्या चीज़ें यहाँ पर जो नोटिस करा आपका अलग है थोड़ा सा? करंट असिस्ट. इससे क्या पर्पस क्या है? करंट मैनेज कर. ये बाइक जो है ये बेसिकली एक्सप्लोर कैटेगरी की बाइक है, वेयर यू कैन यूज एक्सप्लोर ऑल काइंड ऑफ टरेल्स ऑन दिस बाइक. यू कैन ऑल्सो एबल टू वॉन्ट टू कम्यूट, दिस बाइक इज गो विद दैट ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑफ रोड्स, ऑन रोड, एनी वेयर यू वॉन्ट टू गो, दिस बाइक, दिस इज द वन सॉल्यूशन. ई बाइक यू कैन टेक इट. और इसकी जो पेडलेसिस रेंज है या फिर मोटर से आप जो 110 किलोमीटर एक चार्ज पे आपको देगी. और इसमें तो गारंटी वारंटी भी मिलती है क्या? ठीक है, मेरी बैटरी इतनी चलेगी एंड ऑल. यस, सो द बाइक्स कम्स विद 2 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, जो हर डिकैथलॉन के प्रोडक्ट पे आपको मिलती है. एंड प्लस बैटरीज का 5 ईयर्स का वारंटी हम लोग आपको देंगे. दिस इज वेनराइजल 900 AF. So this is bike comes with a triple butted frame. So this is one of the way where we can build aluminium frames more lighter. So triple butted ka matlab kya hota exactly? So it is a process where जब आप ट्यूब में से हॉट वाटर डालते हो तो मॉलिक्यूल्स जहाँ पे नीडेड होते हैं वहाँ पे, इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो इसमें आपका ट्यूब का स्ट्रेंथ कम नहीं होता है, बट ऑल द वेट कम हो जाता है और स्ट्रेंथ वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे आपको नीडेड. तो हाइड्रोफॉर्मिक और अलग, ये अलग चीज़ होती है, राइट? अभी आप अगर इंडिया में देखोगे कंपेयर टू दिस बाइक, सो दिस बाइक ओनली कम्स विद 1.2 लाख रुपीज़. वेयर यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स सेलिंग 105 कंप्लीट ग्रुप सेट अराउंड ऑलमोस्ट 1.5, 1.6. सो दिस इज आर प्रीमियम रोड बाइक. वी आर देर आर लॉट ऑफ मोर बाइक्स कमिंग इन फ्यूचर. सो दिस इज द प्रीमियम रोड बाइक वेयर यू कैन यूज रेस कैटेगरीज ऑन दिस. हम एट द नवयुग स्टॉल एंड यहाँ ये सबसे बड़े इंडस्ट्री के प्लेयर हैं. तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके पास कौन सी बाइसाइकल्स हैं एंड कौन सी इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं. सो वी आर OEM मैन्युफैक्चरर. वी मैन्युफैक्चर आर प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन ब्रांड्स, यूरोपियन ब्रांड्स एंड US ब्रांड्स. वी हैव शोकेस्ड इट विद द ब्रांडिंग ऑफ वर्डेंट. स्टार्टिंग विद दिस, दिस इज अ 24-inch किड्स ई बाइक स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यूरोप मार्केट. हैज 9.5 AH बैटरी. इट हैज 60 किलोमीटर रेंज. कंप्लाइज टू ऑल द यूरोपियन standards and norms. And European standards, Indian standards se kaise different hai? So European standards are defined as per the EN laws. EN 15194 is the certified standard which they have defined. India is still in the process of adopting those standards. Most important point is the safety aspect that the European laws say that first, in European laws we can't use a throttle on the bike. Okay. Because these are meant to be pedelec bikes. Mm-hmm. So with pedelec we can't use throttle to propel the bike, otherwise it will be in a scooter category. This is a 24-inch city category bike for kids. It has a detachable battery. It has a 60 km range, has 25 km/h speed. It doesn't have a throttle, so it's a pedelec. It is assisted with the sensor. So the display has 5 modes, level 1, 2, 3, 4, 5, and it also has a integrated light in the front. This is our latest generation trekking e-bike that we have launched. Speciality of this bike is it has a through axle motor. Oh, nice. So this is the industry standard through axle motor. So in conventional electric bicycles with rear hub motor, we have to open the screws on both sides to take out the motor. This has a through axle, and if we just remove the through axle, it will be easy to take out the motor. So easily bahar aa jati hai. Yes. And isme torque mein koi dikkat nahi aati aapko? Nahi. It has been designed in a way that it will meet the torque requirements. A highlight of this bike is the Q system. Mm-hmm. Shimano right now has discontinued Altus, Acera, Allevio and Tourney beyond 8 speeds. Okay. So from 9-speed, 10-speed, 11-speed drivetrains, only Qs will be the drivetrain for the future. This is an e-bike specific drivetrain. Mm-hmm. Here you can see the Q's 9-speed derailleur with a Q specific chainring, and even the chain is developed from KMC and Shimano, which is a Q specific chain wheel. So this is certified as a e-bike specific drivetrain group set from Shimano. Another highlight of this is the tires. Here the tires
comply with the EN regulation. So this tire is not only 25 kilometer certified, but also 50 kilometer certified. And also it has 5 mm puncture protection layer. The load capacity it can bear is more than 100 kg. And I mean, ek aur cheez notice kari, ye KLS seats jo different thi kafi. Isme ye exactly kya cheez hai? Well, this was the part 1. Part 2 ke liye aap stay tuned rahe is channel ke upar, because aur bhi zyada updates aane wali hai. Jaise disc brake ke brand ye aane wale hain, disc rotate ke bare mein bataunga, pumps ke bare mein bataunga, even aur bhi cheeze hain jaise ye treadmill hai. Then again, ये बहुत अमेजिंग चीज लगी, बिकॉज इसमें पता है ये बाइसाइकिल का जो ये सिस्टम है, इसमें आप ऑलरेडी एक बैटरी इंडिकेटेड आती है, सब कुछ होता है, एंड आप ई बाइक किसी भी बाइसाइकिल को बना सकते हो. तो इसके लिए सेकंड वर्जन के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहना, बिकॉज वहां पे भी काफी ज्यादा अमेजिंग आपके व्हीकल्स दिखने वाली है.